हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, बहुत दिनों के बाद में वीडियो आ रही है एंड वीडियो बहुत सारी मिक्सअप भी होने वाली है क्योंकि मैं पहले राजस्थान में थी और अभी मैं मुंबई आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर नेटवर्क बहुत अच्छा है तो यहाँ से अब मैं वीडियो अपलोड कर सकती हूँ। और गाइज, इतने दिन मैं राजस्थान में थी, बिल्कुल भी टाइम नहीं था। एज यू ऑल नो, आई रिसेंटली गॉट एंगेज्ड ऑल्सो ऑन 3rd of May। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं माउंट आबू। एक्चुअली माउंट आबू पहुँच चुके हैं लेकिन जो अधर देवी का मंदिर है तो वहाँ पर जा रहे हैं हम लोग ऊपर। तो उसके लिए आप है ना बस से भी जा सकते हैं, जो गवर्नमेंट की बस अवेलेबल होती है उसका 40-50 रुपीज़ पर पर्सन प्राइस होती है फेयर। एंड यू कैन ऑल्सो बुक अ टैक्सी। एंड अगर आप प्राइवेट रिक्शा वगैरह से जाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो बुक वहाँ पर। इवन 500 रुपीज़ में पर डे का आपको मतलब बाइक भी मिल जाएगी, तो आप बाइक से भी घूम सकते हो माउंट आबू। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट हमने मतलब जो हमारा गांव है वहीं से हमने ये गाड़ी बुक की थी तो हम उसमें ही आ रहे थे, तो इसीलिए हमने कोई और व्हीकल नहीं लिया था। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं। एंड बाय द वे, दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम, मैं माउंट आबू फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। हालांकि आबू रोड से जो मेरा गांव है बेड़ा, वो बहुत ही ज़्यादा पास में है, लेकिन कभी आने का मतलब मौका ही नहीं मिला। तो एंड एज यू ऑल नो, आई एम चौहान बाय माय सरनेम। तो जो हमारी कुलदेवी है वो है माँ आशापुरा, तो उनका मंदिर जो है वो है नाडोल में, तो हम तो वहीं पर जाते थे ज़्यादातर। तो मतलब आबू रोड आने का इतना मौका ही नहीं मिला एंड माउंट आबू मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, लेकिन बहुत मज़ा आया गाइस। यहाँ पर इतनी अच्छी मतलब व्यू थी यहाँ की, और इतनी शांति, इतनी ठंडक, मतलब मैं बता नहीं सकती मेरी फीलिंग्स को। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ पर। एंड गाइस, जब मैं छोटी थी ना तब भी मैं अपने दादाजी को ही बोलती थी कि है ना मतलब जो परमार सरनेम होती है, वो फैमिली जो होती है, जो बच्चे होते हैं, वो लोग कितने लकी होते हैं ना, मतलब भगवान को, भगवान के दर्शन भी करके आ जाते हैं एंड काइंड ऑफ यू नो एक छोटा सा पिकनिक भी हो जाता है फैमिली के साथ में, कितना अच्छा लगता है यू नो माउंटेन के ऊपर। एंड हम तो एकदम गर्मी में गए थे, लेकिन यहाँ पर मतलब हम तो मई में गए थे अभी रिसेंटली 4-5 days पहले, तो इतनी गर्मी भी नहीं लग रही थी वहाँ पर। तो सोचो मतलब विंटर एंड रेनी सीज़न में कितना मज़ा आता होगा ना इस हिली एरिया में। तो बस हम लोग वहीं पर घूमने के लिए निकले थे एंड दिस इज़ द फर्स्ट डे। और गाइस, आप यहाँ पर घूमने के साथ साथ में शॉपिंग भी कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी एंटीक चीज़ें भी थी जो मतलब इजीली नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है। तो काफ़ी सारे पर्स थे, कपड़े थे छोटे बच्चों के, एंड जो वुडन के खिलौने सामान वगैरह होते वो भी बहुत ज़्यादा थे, तो वो भी आप कर सकते। एंड गाइस, माउंट आबू की अगर मैं खाने की बात करूँ ना, तो खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। एंड आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप फैमिली के साथ में जा रहे हो या फिर यू नो आपको प्रॉपर घर का खाना चाहिए, तो आप प्लीज़ है ना थाली ही बुक करना। तो थाली में आपको पूरी पूरी मतलब अच्छे से क्वांटिटी भी अच्छी मिलती है। एंड आई एम सो सॉरी, मैं इस रेस्टोरेंट का जो नाम था वो लेना भूल गई, मुझे याद भी नहीं है अभी, लेकिन बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, हमें बहुत अच्छा खाना मिला था। एंड उसके थोड़ी देर बाद में हम जस्ट ये सामने जो गार्डन था वहाँ पर आए थे, तो वहीं पर घूम रहे थे। यहाँ पर भी एक्चुअली फ़ोन लेकर जाना अलाउड नहीं था, लेकिन मैंने रिस्क लिए गाइस आप लोगों के लिए। तो अब भी फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना फटाफट सब्सक्राइब कर दो यार। और हाँ, तो ये वाला जो गार्डन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, इतने सारे प्लांट्स, फ्लावर्स, ट्रीज़, वाओ, मतलब इतना अमेजिंग था ना ये वाला पार्ट। और इस टाइम में मतलब ये जो टाइम हो रहा था ना, वो आफ्टरनून के लगभग 2:30 या 3 o'clock टाइम हो रहा था, इतनी धूप थी लेकिन फिर भी हमें मतलब गर्मी लग ही नहीं रही थी, हम लोग आराम से घूम रहे थे, मतलब एकदम विंटर जैसी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हिली एरिया ना, तो बहुत ठंडक होती है वहाँ पर।
तो बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर। और एक टाइम के लिए सच बोलूँ ना, मुझे लग ही नहीं रहा था कि हम राजस्थान में, मतलब इतना कूल प्लेस है वो। बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, अगर आप दूसरे स्टेट या सिटी से भी हो ना तो प्लीज़ आप लोग एक बार बस विजिट करना माउंट आबू को, आपको बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पर। ये इसमें ये क्या करती है, चौंस मारती है तो अंदर फंस जाती है, चिड़ी फंस जाती है, फ्लावर है ना, फ्लावर के अंदर जाती है, नेक्टर, नेक्टर उससे पकड़ा आपने, इसमें देखो कितना तीखा, बहुत तीखा होता है। वो क्या करता है, ऐसा करके इसे डंक मारती है तो उसके अंदर चौंस फंस जाती है, फिर फड़फड़ाती रहती है, उड़ नहीं पाती। वो खाता है ना इसे, इतना छोटा सा है। हाँ रॉबिन है, हाँ निकल जाएगी, उड़ जाएगी, योगेश आराम से उड़ जाएगी बेटा, फट से उड़ेगी, नहीं उड़ेगी, उड़े दूंगा तो उड़ेगी ना। इसका कलर भी कितना अच्छा है, दो तीन कलर है इसमें, कब से जाएगी वापस आएगी क्या आपके पास आएगी? आप कहाँ से? पटना से। सो गाइस, यहाँ से मतलब गार्डन कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर हम एग्ज़िट की तरफ ही जा रहे थे, तो मैं बस ऐसे ही सबको शूट कर रही थी और मुझे इतनी हंसी आ रही थी उस टाइम में, मतलब सब क्या है ना, खाना खाकर आए थे, ऊपर से छाछ भी पी ली थी तो सबको इतनी नींद आ रही थी ना, ऐसा लग रहा था सब ज़बरदस्ती यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अभी मैं एडिट कर रही हूँ ना, वो सोच कर भी मतलब वो पुरानी बातें मुझे बहुत हंसी आ रही है, तो बहुत मज़ा आ रही थी और यहाँ पर बस हंसी मजाक चल रही थी। ओम नमः शिवाय। तो ये है मेरे माता जी और पिताजी, तो यहाँ पर मैं जा रही थी और थोड़ा थोड़ा ना थोड़ी थोड़ी सी मतलब धूप भी थी, नींद भी आ रही थी, तो मेरा चेहरा देखो कैसा हो गया है। और ये है हमारे खुशवीर बन्ना, तो ये यहाँ पर घूम रहे थे और इनको इतनी मज़ा आ रही थी, इन्होंने यहाँ से एक कैप परचेज़ की थी और ये छोटा सा गॉगल्स लिया था, तो हम सब बस ऐसी हंसी मजाक कर रहे थे और बैठे थे यहाँ पर, थोड़ा आराम कर रहे थे।